नमस्कार साथियों, आज सबसे बड़ी दुख की घटना मैं बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे वीडियो में। एक ही परिवार के सड़क हादसे में 7 की मौत, जिसमें एक परिवार के 5 लोग की मौत हो गई है, शामिल थे, और यह सड़क दुर्घटना में जान गई है। मैं आप लोगों को हाथ जोर से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग ड्राइव करते हैं ना, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा थोड़ा दिखाइए आगे, देखिए कितना घना कोहरा है, और आप चलते हैं ना तो थोड़ा रुक जाइए, कोशिश कीजिए। आपके जान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, जान रहेगा तभी ना कुछ हो पाएगा। आप लोग सड़क पे चलिए ना, और मेरी उन परिवारों को विनती है और दुख है, सहने की शक्ति दें, इसके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। इतना बड़ा घटना किसी पे ना हो, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह जो घटना है ना, सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार होकर कटिहार रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे एक परिवार के 5 समेत 7 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट गया, और हादसे में गुस्साए लोगों ने सड़क भी जाम किया है। और यह देखिए, हादसा जब होता है ना, लोग उग्र हो ही जाते हैं, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं हादसे में ना किनकी मौत हुई है। हादसे में जेरावाड़ी निवासी अरुण कुमार 50 वर्षीय है, धनंजय ठाकुर 32 ईयर्स, उर्मिला देवी 45, पल्लवी कुमारी 25, लालू कुमार 2 साल का था बेचारा, गोलू 17 साल का, वह ऑटो चालक पप्पू पासवान 45 वर्षीय की मौत हो गई। मृतक अरुण ठाकुर सपरिवार मध्य प्रदेश जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए सपरिवार कटिहार रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, और वह ससुराल से निकलते ही थे कि 10 मिनट के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 81 पर दिघरी पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा में आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया, और मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक जो है ना, वह फरार हो गए हैं। और यहाँ पे ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है, मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक ट्रक लेकर गेरावाड़ी की ओर से फरार हो गया। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो फरार हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी वाहनों की कतार जाम हुए, लोग तो उग्र होंगे ही, एक ही परिवार के लोगों की जान गई और ट्रक वाला फरार हो गया। मैं बिहार सरकार से यही मांग करूंगा, उनके परिवार में जो भी सदस्य बचे होंगे ना, और सहायता उनको जरूर कीजिएगा, और जो भी आपदा की राशि है उन परिवारों को मिले, मेरी यही संवेदना है। और इतनी बड़ी घटना भगवान ना करे किसी परिवार को दे, यह घटना सबसे बड़ी घटना है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 या किसी भी रोड पे आप जब चले ना, अभी ठंड का प्रकोप काफी है, और बहुत धीमी से चलें, हो सके तो मत जाइए, हो सके तो आराम कीजिए, बहुत जरूरी हो, बहुत आवश्यकता हो तभी आप घर से निकलें। यह ठंड का जो है ना, मैं अपने लाइफ में ऐसा ठंड नहीं देखा था अभी तक, मेरा एज 26 ईयर्स ओल्ड है, मैंने अभी तक यह ठंड नहीं देखा जो ठंड में देख रहा हूं ना, बहुत ठंड है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और हमारी जो है ना उनके परिवार के प्रति बहुत ही, मैं जितना भी बोलूं उतना कम होगा, भगवान उनको सहने की शक्ति प्रदान करे। यह जो घटना है ना, बहुत बड़ी घटना है, मैं यही कहूंगा।